गुड मॉर्निंग बच्चों, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था पारिवारिक बजट की प्रमुख मद की रूपरेखाएँ, और आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक बजट बनाने से क्या लाभ होता है। बच्चों, पारिवारिक बजट बनाने से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जो कि ये निम्न प्रकार हैं, जिससे हम समाज को सुधार भी सकते हैं, उनको अर्थशास्त्र में शास्त्रियों की भी हम मदद कर सकते हैं, गृहियों की भी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें बजट बनाने के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा पारिवारिक बजट अच्छा बने। पारिवारिक बजट से हमें निम्न लोगों को लाभ मिलता है। पारिवारिक बजट से लाभ हमें जो घर की औरतें होती हैं उनको लाभ मिलता है, जिससे कि वह अपने घर का संचालन सही ढंग से कर पाती हैं और उनका आय और व्यय जो उनका होता है वो नियंत्रित होता है। गृहियों के लिए उनको मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ होते हैं। आय के उचित उपयोग में सहायक, जब हमारा बजट बना होता है बच्चों, तो हमारा किस प्रकार की आय है उस पर हम ध्यान रखते हैं, और तब हमारा बचत अच्छे से हो पाती है। उसी प्रकार से अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक, जो जब हमारा बजट होता है तो हम पता होता है कि हमें हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और हम उसके हिसाब से ही खर्च करते हैं। इसलिए जो हमारा अनावश्यक खर्च है उस पर हम नियंत्रण रखते हैं। नंबर 3 है आय व्यय के संतुलन में सहायक। बच्चों, जब हम बजट बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी आय कितनी है और हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हम अपना बजट बनाते हैं, तब उस पर हमारा ध्यान रहता है। जब हम बजट नहीं बनाएंगे तो हमारा ध्यान भी उस पर नहीं जाता। इसलिए आय हमारी कितनी हो रही है, व्यय हमारा कितना हो रहा है, जब हम बजट बनाए होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का भी पता चलता रहता है। मितव्ययिता की आदत का विकास। बच्चों, जब हम हमारे जो आय जब हमारा बजट बना होता है तो हमारा व्यय की जो सीमाएं हैं वो हमें निर्धारित सीमाओं में रह के ही हम अपना व्यय करते हैं, कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही हम अपनी ज़रूरतों को भी प्राथमिकता देते हैं, तो हमारी मितव्ययिता भी अच्छी बनी रहती है और हमें अपना बजट सुधारने का भी पता चलता रहता है। नंबर 5 है आपका परिवार को ऋण से बचाने में सहायक। जब बच्चों हमारा आय जितनी होगी हमारा खर्च उससे कम होगा, तो हम अपने बजट पे भी इस बात का ध्यान रखे रहते हैं, जिससे कि हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है। नंबर 6 है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। बच्चों, जब हमारी ज़रूरतें जैसी होती हैं और जब हम बजट बना के रखते हैं तो हर महीने हम ये ध्यान देते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रमुख आवश्यकताएं हैं, इस तब हम उस आवश्यकता को पहले पूरा करते हैं, जो हमारी आवश्यकता कम होती है उसकी हम बाद में पूर्ति करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा बजट होता है तो हमारी जो मेन आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पहले पूरा करते हैं, और जिससे कि हमें किसी भी सदस्य की आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखते हैं। नंबर 7 है आपका बचत में सहायक। बच्चों, जब हम बजट बना के रखते हैं तब हम हमारी जो आय होती है, जो हमारा व्यय होता है, इस पर भी हम एक ध्यान रखते हैं, जिससे कि हम किसी भी प्रकार से अनचाहा खर्च नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा जो परिवार का में जो बचत होनी चाहिए उस पर हम ध्यान रखते हैं, और उसी प्रकार से हम खर्च करते हैं कि जितनी हमारी आय है उससे ही हम कम खर्च करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी बचत होती है। नंबर 8 है सुख शांति व समृद्धि में सहायक। बच्चों, जब हम बजट बना होगा तो हम सारी ज़रूरत की चीज़ों को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, हम कर्ज लेने से भी बचे रहते हैं और मितव्ययिता में भी व्यय नहीं करते हैं, भविष्य के लिए भी बचत करके रखते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 9 है आपका
रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। बच्चों जब हम आय से हम कम खर्च करेंगे तब हमारे पास जो बचत होती है वो हमारे स्तर को ऊंचा करने में सहायक होती है, जिससे कि हम अपना जो रहन सहन का स्तर है वो हम अपना और अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हमें बजट बना के खर्च करने में ये सारे लाभ होते हैं। इसीलिए बच्चों हमें अपना बजट बना के और समय समय पे उस पर ध्यान रखते हुए भी हमें खर्च करना चाहिए। इसी के तहत हमारा दूसरा जो लाभ है वो अर्थशास्त्रियों को होता है। अर्थशास्त्री भी बच्चों जिस हिसाब से हमारी बचत होती है उसके अनुसार ही हमारे जो कर होते हैं, आय कर होते हैं, व्यय कर होते हैं, उस पर भी जो नीतियां बनाते हैं उस पर भी वो लोग ध्यान में रखते हुए हमारी जो कर हैं वो उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए बच्चों हम अपने रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के लिए तमाम उपयोगी सुझाव भी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि बजट में अर्थशास्त्रियों के लिए भी व्यवहारिक सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। नंबर तीन होता है समाज सुधारकों को लाभ। बच्चों बहुत हमारे जो देश में बहुत तरह के लोग ऐसे हैं जो समाज में गरीब हैं, श्रम करने वाले हैं, जुमा जमाखोरी, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, रोजगार आदि की समस्याएं भी होती हैं। जब बच्चों हमारा ये सब नियमित होगा तो हमारी जो समाज की संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इन कारणों को जानेंगी और उसको भी एक विशेष तौर पे समाज सुधार के विभिन्न समस्याओं के समाधान में भी वो यूज़ हो सकती हैं। सरकार को भी लाभ मिलता है, जिससे कि वो हमारी नीतियाँ बना करके और हमारी जो बचत है उस पर विशेष ध्यान रखते हुए अपने नए जो भी उनके बजट बनते हैं वो भी उनमें शामिल करते हैं, और जिससे भी सरकार को भी बहुत लाभ होता है। इसलिए बच्चों हमें बजट जरूर बना के खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमें इन सब चीज़ों का लाभ होता है। थैंक यू बच्चों।